स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 18 का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पहले नोट डाउन करते हैं उसके बाद फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 6 में भी दो पार्ट है हमारे, 6 के दो पार्ट में, फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन 35 कॉस 55 प्लस कॉस 35 साइन 55 अपॉन कोसेक स्क्वायर 10 माइनस 10 स्क्वायर 80। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, आपका कोसेक 35 साइन 35 कॉस 55 प्लस कॉस 35 साइन 55 अपॉन कोसेक स्क्वायर 10 माइनस 10 स्क्वायर 80। तो ये हमारे सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम यहाँ पर इजीली साइन और यहाँ पर इजीली कॉस फॉर्मेट कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है, हमें अच्छे से पता है। ये पहले हम कन्वर्जन करते हैं, उसके बाद नीचे की तरह देखते हैं। हम यहाँ पर 10 को कन्वर्ट करके कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 10 को कॉट में कन्वर्ट जब हम कर लेंगे तो भी हमारा एक फॉर्मूला बनता है, उस हिसाब से इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। साइन 35 और कॉस 90 माइनस 35 प्लस कॉस 35 साइन 90 माइनस 35 अपॉन क्या अपॉन कॉसेक स्क्वायर 10 माइनस 10 स्क्वायर 90 माइनस 10। तो साइन 35 आपका ऐसे ही रहेगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन होता है, साइन 35 प्लस कॉस 35 ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस 35 में। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर 10 और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कॉट स्क्वायर 10। हमारे पास ऊपर आया साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35 और नीचे क्या होता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको नोट डाउन भी कराया था पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं। तो हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है, ये हमारा एक फॉर्मूला है। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, हम यहाँ पर डायरेक्टली 1 मेंशन कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1, यानी कि चाहे तो यहाँ पर लिख कर इस थीटा कन्वर्ट करते चलते हैं। कॉसेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज 1 और ये भी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है 1। तो ओवरऑल आंसर क्या आया 1 हमारा। अब हम जल्दी से रिकैप करते हैं, साइन 35 कॉस 55 प्लस कॉस 35 कॉस साइन 55 अपॉन कॉस स्क्वायर 10 माइनस 10 स्क्वायर 80। तो हमें यहां पे आपको पहले बताया कि यहां से साइन यहां से कॉस कन्वर्ट होके 1 हो जाएगा और नीचे भी फार्मूला 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन 35 कॉस 90 माइनस 35 क्या होगा साइन 35 कॉस 35 और साइन 90 माइनस 35 क्या हो जाएगा कॉस 35। साइन 35 साइन 35 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 35 कॉस स्क्वायर 35 कॉस स्क्वायर 35 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 35। फिर इसी तरह 10 90 स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर 10। तो हमारे पास ऊपर आया साइन स्क्वायर 35 साइन स्क्वायर 35 दैट इज साइन स्क्वायर 35 कॉस स्क्वायर 35 और कॉसेक स्क्वायर थीटा 10 माइनस कॉट स्क्वायर 10 कॉसेक स्क्वायर 10 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। वन अपॉन वन दैट इज 1। ये आया हमारे का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो थोड़ा सा जंबल वे में रहता है या नहीं समझ आता तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर क्या है। अब हम आगे पार्ट की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट इसका देखते हैं क्या है। तो सेकंड पार्ट सॉल्यूशन के लिए बढ़ते हैं हम। सेकंड पार्ट के इसके लिए एक बेसिक टिप ये भी कि जो भी फार्मूले आपको लिखवाए हैं मैंने या आपकी बुक में दिए वो आपको कंपलसरी है याद करना, अगर याद होंगे तो आप इजीली सॉल्यूशंस कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को भी। अब अगला देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है, सॉल्यूशन हमारा वही फाइंड आउट होता है अगर के। सेकंड पार्ट हमारा क्या है साइन स्क्वायर 34 प्लस साइन स्क्वायर 56 प्लस 210 18
10 72 माइनस कॉट स्क्वायर 30, ये हमारा सेकेंड पार्ट रहा इसका। तो हम क्या करते हैं इसको जल्दी से समझते हैं कहां कहां से क्या कन्वर्ट हो सकता है। अगर हम देखते हैं तो ये साइन रह सकता है, ये कॉस में कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें तो ये कॉट हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो सकता है और इसकी वैल्यू तो हमें आती है। तो हम जल्दी से साइन फाइंड आउट करते हैं। तो साइन स्क्वायर 34 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 34 प्लस 210 फिर 210 18 फिर 10 90 माइनस 18 फिर माइनस कॉट स्क्वायर 30, ये हमने लिख लिया। तो जब हमने ये लिख लिया तो हमारे पास देखते हैं सॉल्यूशन कैसे आना शुरू होता है। तो ये हमारा हुआ साइन स्क्वायर 34 साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर 34 फिर 2 10 18 तो ये क्या हुआ 10 18 और 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा कॉट 18 फिर लास्ट का हमारा कॉट स्क्वायर 30 कन्वर्जन हो गया हमारा। तो हम ये देखते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारे इसका, कहीं भी पुट अप हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2 फिर आया 10 18 कॉट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 अपॉन 10 तो 10 18 माइनस कॉट स्क्वायर 30 कॉट स्क्वायर 30 यानी कि क्या होता है वैल्यू उसकी रूट 3 होती है, रूट 3 की वैल्यू का होल स्क्वायर। तो 18 से 18 कैंसिल हो गया 1 प्लस 2 रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज 3 3 माइनस 3 दैट इज 0 ये हुआ हमारा सॉल्यूशन इसका। अब जल्दी से हम रिकैप पे आते हैं साइन स्क्वायर 34 प्लस साइन स्क्वायर 56 प्लस 2 10 18 10 72 माइनस कॉट स्क्वायर 30 उसके बाद हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर 34 साइन को कन्वर्ट में करना है साइन 90 माइनस थीटा प्लस 2 10 18 इस 10 को कन्वर्ट करा 10 90 माइनस 18 और कॉट स्क्वायर 30 ऐसे रखा साइन स्क्वायर 34 साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 18 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट 18 माइनस कॉट स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 होता है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला प्लस 2 10 18 कॉट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 अपॉन 10 में तो 10 18 10 18 कैंसिल हो गया ये आया 2 और कॉट 30 की वैल्यू होती रूट 3 स्क्वायर इज नहीं स्क्वायर तो रूट 3 इंटू 3 दैट इज 3 1 प्लस 2 2 प्लस 1 दैट इज 3 माइनस 3 दैट इज 0। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ आया होगा। तो ना कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो इस एक्सरसाइज से रिगार्डिंग या अगले कोई क्वेश्चन हो या आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालें पूछे आपको इंशाल्लाह उसका जवाब जरूर मिलेगा। और फिर जब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है जल्दी से नोट डाउन करते हैं, दो ही पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हमारा कहता है 10 25 अपॉन कॉसेक 65 का होल स्क्वायर प्लस कॉट 25 अपॉन sec 65 का होल स्क्वायर फिर प्लस 2 10 18 10 45 और 10 72 ये आ गए हमारे पूरा क्वेश्चन। तो हम जल्दी से इसको कंक्लूड करना शुरू कर दें तो हमें आदि 10 25 अपॉन cos 65 का होल स्क्वायर cot 25 upon sec 65 का होल स्क्वायर प्लस 2 10 18 10 45 10 72 तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो हम 10 को बिना टच के नीचे की तरफ पहुंचते हैं। क्या दिया हुआ हमारा cosec दिया हुआ है तो cosec क्या होता है cosec 90 माइनस 25 और ये पूरा क्या है होल स्क्वायर का होल। इसी तरह यहां पर हम cot को टच नहीं करते हैं तो cot 25 उसके बाद sec हमारा दिया है क्या दिया है sec 90 माइनस 25 का होल स्क्वायर प्लस 2 10 18 10 45 लास्ट वाला क्या है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं क्या लिखते हैं क्या यहां पर लिख लेते हैं 10 90 माइनस 18 क्लियर। अब हम यहां से काम शुरू करते हैं क्या है हमारा 10 25
और cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sec 25 का प्लस cot 25 sec 90 माइनस थीटा दैट इज cosec 25 का होल स्क्वायर। उसके बाद 2 10 18 10 45 और 10 90 माइनस थीटा दैट इज cot 18। ये हमारी चीज आ गई। 10 का मतलब होता है sin अपॉन cos, sin 25 अपॉन cos 25। sec को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 अपॉन cos में, तो क्या होगा प्लस ही इक्वल हो जाएगा नहीं cos 25 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। उसी तरह cot होता है cos 25 अपॉन sin 25, cos से कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन sin अपॉन sin 25 अपॉन 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 10 18 45 के लिए 1 cot 18 मतलब cot को कन्वर्ट कर लेंगे 1 अपॉन 10 में तो 10 18 हो जाएगा। यहां देखिए sin कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा sin स्क्वायर 25 प्लस sin से sin कैंसिल हो गया cos स्क्वायर 25। उसके बाद यहां 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 sin प्लस sin का थीटा प्लस cos का थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो टोटल ओवरऑल क्या आ गया हमारे पास आंसर 3 आ गया। तो इसको यहीं से वाइंड अप सॉरी रिकैप करते हैं, 10 को नहीं टच करेंगे, cosec को टच किया cosec 90 माइनस थीटा दैट इज sec थीटा, cot को नहीं टच किया sec को टच किया sec 90 माइनस थीटा दैट इज cosec उसका थीटा। यहां पर 2 10 18 10 45 और 10 90 माइनस थीटा कन्वर्ट करेंगे तो cot 18 आ जाएगा। 10 का होता है sin अपॉन cos और sec का होता है 1 अपॉन cos, तो जब कन्वर्ट करेंगे तो cos ऊपर तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा आ गया। इसी तरह cot को कन्वर्ट करेंगे तो cos अपॉन sin, cos को sin अपॉन 1 यानी sin sin कैंसिल cos स्क्वायर 1 10 18 10 18 कैंसिल हो जाएगा 2 आ जाएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस 2 दैट इज 3। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद हमारा बचता है इसका लास्ट पार्ट जो हम सॉल्व करेंगे उस पूरे ब्लॉक को वाइंड अप करेंगे सेकंड पार्ट के साथ। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्वेश्चंस कौन समझाने वाले उनको हम सॉल्व करेंगे फिर समझाएंगे और फिर आपसे रूबरू होंगे मिलेंगे और अगले ब्लॉक में। तो हमारा आज का सेकंड पार्ट इसका क्या है, सेकंड पार्ट हमारा cos स्क्वायर 25 cos स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 65 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमारे पास क्या है प्लस cosec थीटा sec 90 माइनस थीटा, उसके बाद है माइनस cot 10 90 माइनस थीटा। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि ये cos को हम कन्वर्ट कर ले sin में यानी कि cos स्क्वायर 90 माइनस 65, उसके बाद दूसरे प्रति छोड़ दो cos स्क्वायर 65, तो उसके बाद हमारा प्लस cos थीटा sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है हमारा, उसके बाद माइनस cot थीटा cot 90 माइनस थीटा भी हमारा cot थीटा होता है। अब ये हो गया हमारा sin स्क्वायर 65 प्लस cos स्क्वायर 65 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1, फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा दैट इज 1, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो सबसे जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैथ्स में कुछ भी के लिए हमारे फार्मूले, तो फार्मूले में अच्छे से रिवाइज होना चाहिए याद होना चाहिए फिर हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, cos स्क्वायर थीटा 25 प्लस cos स्क्वायर 65 प्लस cos थीटा sec 90 माइनस थीटा माइनस cot थीटा 10 थीटा 10 90 माइनस थीटा।
तो इसको हम कन्वर्ट किया cos स्क्वायर थीटा 90 माइनस 65 दैट इज sin स्क्वायर 65 cos 65 ऐसे आ गया आपका हमारे पास cos 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है तो cosec * cosec दैट इज cos स्क्वायर थीटा इसी तरह tan 90 माइनस थीटा दैट इज cot थीटा तो cot थीटा * तो cot थीटा क्या हो cot स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1 cos स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा दैट इज 1 आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछें कोई प्रॉब्लम हो कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फॉर वाचिंग बाय